हेलो गाइस, आज हम आपको विजिट कराएंगे जहाँ पे हम हमारे MDF का CNC कटिंग करवाते हैं। तो उनको वो किस टाइप में काम करते हैं और यहाँ पे कैसे CNC दिखाते हैं, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए। यहाँ पे जो अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग में जो डिज़ाइन चल रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये इनका वर्क स्टेशन है जहाँ पे ये सब न्यू वुड की, MS की, SS की, सब कोरियन वगैरह, ये आपको जिस हिसाब से आप डिज़ाइन पास करेंगे उसके हिसाब से ये वर्क करके देंगे। ये भी फ्लूटेड पैनल है और इसमें 3D वर्क किया है। आपको अपने पूजा रूम के लिए जो भी डिज़ाइन आपको करवानी हो उस हिसाब से ये CNC थ्रू आउट कट के देते हैं। ये 3D वर्क करके भी देते हैं हमारे डिज़ाइन के हिसाब से। एक आपको अभी जो ये ड्राइंग चल रहा है, मीन कि ये ड्राइंग इनका फाइनल है, यहाँ पे वो वर्क चल रहा है तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ये CNC का मशीन है जो हम हमारे डिज़ाइन के हिसाब से ये ऑटो जनरेट है, यहाँ पे वो वर्क होता है। ये सीट की साइज है 8x4 फीट के। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा ये डिजाइन इस हिसाब से एग्जीक्यूट हो रही है। ये अभी ये मशीन पे 2 आउट सीट का वर्क चल रहा है। मैं आपको मूव करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। ये इन्होंने ये डिज़ाइन बनाई है, ये आपको ये थ्रू आउट डिज़ाइन है। ये फ्लूटेड पैनल है, ये कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है। तो जो भी हम डिज़ाइन पास करेंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया ये वाली जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे हो रही है। मैं आपको थोड़ा क्लीन करा के दिखा देता हूँ। ये जो डिज़ाइन मैंने अभी आपको दिखाई वो पहले से एक सीट पड़ी हुई, ये उनका जो वर्क हो चुका है वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये टोटल 8x4 की सीट है। हम यहाँ पे मैंने आपको जो वीडियो दिखाया था, हमारा जो बेडरूम का इंटीरियर प्रोजेक्ट चल रहा है, हम यहाँ पे ग्रो कराने के लिए लाए हैं मशीन पे। ये मेटल की सीट है, ऐसे आपको नेम प्लेट करानी हो तो भी ये इस हिसाब से हो जाएगा। यहाँ पे ये CNC का मशीन है जिस हिसाब से हम उनको ऑटोकैड में ड्राइंग देंगे, या फिर अगर आपके पास ऑटोकैड की फाइल नहीं है रफली आप उनको समझा देंगे कि उनका डायमेंशन क्या है, या फिर आप डाउनलोड करके भी उनको सीट देंगे
वो डाउनलोड करके आपको भी फाइल देंगे इनको, तो भी ये आपको ये आपके हिसाब से चीज़ आपको डिजाइन करके दे देंगे। ये एक्रेलिक MDF मेटल SS एक्रेलिक कोरियन सब मटेरियल में वर्क करते हैं, तो आपको अगर रिक्वायरमेंट हो तो उसके हिसाब से आप, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनका ये जो वर्क स्टेशन है वो अहमदाबाद में है, न्यूड में 6mm 4mm 8mm 12mm 35mm 18mm की सीटें आती है। आपको 3D में वर्क करवाना है तो सजेस्ट करूंगा कि अप्रोक्स आप 18mm या 25mm की सीट लेंगे तो उसमें डीपनेस बहुत अच्छी मिलेगी। अगर आपको स्लॉट कराना है और तो डायरेक्ट आप 6mm या 8mm में भी जा सकते हैं, लेकिन आप मिनिमम 12mm लेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ सही बनी रहती है, उसका जो वर्टिकल मेंबर होता है वो सही स्ट्रेंथ में खड़ा रहता है, तो वो आप 12mm में जाएंगे सही रहेगा। और हाँ, अगर आपको मीन्स आप MDF HDF दें और उस पर आप डिको लेमिनेशन PU जो भी करवाए आप वाटरप्रूफ सीट का ही यूज करें, नहीं तो बाद में क्या होगा, वर्क होने के बाद उस पर बबल्स आ जाते हैं। तब कमर्शियल सीट यूज ना करें, अपने सप्लायर को बोले कि हमेशा आपको आप अपने सप्लायर को वाटरप्रूफ सीट के लिए ही उसको बोले, कमर्शियल का ऑर्डर मत करें, तो बाद में वो जितना भी अच्छा काम किया होगा वो बिगड़ जाएगा। ये हमारे जो बेडरूम का इंटीरियर चल रहा है उसका ग्रो कराने के लिए हम ये क्रोनल बेक यहाँ पे आए हैं, वो सीट का काम चल रहा है। एक्चुअली हम यहाँ पे आए थे, हमारा ये जो सीट है उस पर ग्रू कराना था, तो ये हमारा ग्रू ड्रेसिंग टेबल के लिए जो मुझे डिज़ाइन चाहिए थी वो हो चुकी है। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा बेडरूम इंटीरियर, वहाँ पे ये डिज़ाइन हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं, इस पर वाइट लेमिनेशन आने वाला है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।